हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड रिलेशन रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में लगभग बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप ब्लड रिलेशन रीजनिंग के प्रश्न कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके सभी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो बिल्कुल ही सही होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उन प्रश्नों के बारे में। और उन प्रश्नों को बताने से पहले मैं आपको उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, अपने ऊपर के जनरेशन की यदि बात की जाए, यदि आपके जनरेशन से ऊपर की बात की जाए, जैसे आपके माताजी, पिताजी, दादा दादी, नाना नानी, ये जैसे आपसे ऊपर के जनरेशन हैं, तो उनको ऊपर वाले एरो से आप डोनेट करेंगे। जो एरो दिखाया जा रहा है, इस तरह के एरो से आप उसको डोनेट करेंगे। दूसरी बात, जब आपके लेवल की बात की जाए, आपके उम्र के लोगों की बात की जाए, जैसे भाई बहन, मामा का लड़का, मामी की लड़की, इस तरह की अगर लोगों की बात की जाए तो आप इसको 2 तरह से सिंबल से डोनेट करेंगे, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। तीसरी चीज़, जब आपसे छोटे, आपसे लोअर जनरेशन की बात की जाए, जैसे आपके बेटा की बात, बेटी की बात, भाई के लड़के की बात, भाई की लड़की की बात, जब अगर इस तरह से लोगों की बात की जाए, छोटे जनरेशन की बात की जाए, तो आप नीचे वाले एरो को, जो इस तरह के एरो बने हुए हैं, उस तरह से डोनेट आप करेंगे। अब दूसरी चीज़, जिस प्रश्न में ये बता दे कि आपके मामा हैं, ये आपकी बहन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि लड़का है कि लड़की है, इसमें पता चल जाता है। लेकिन जिस प्रश्न में PQRS लेटर दे दिए जाते हैं, उसमें जिस जगह पर आपको पता चल जाए कि ये लड़का है कि लड़की है, तो लड़के के लिए प्लस सिंबल यूज़ करेंगे और लड़की के लिए माइनस सिंबल यूज़ करेंगे। बस यही है ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट। और चलिए आप क्वेश्चन को लगाते हैं और आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। पहला प्रश्न है, रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है। तो मान लीजिए मैंने ये रजनीश बना लिया और ये मैंने सरिता यहाँ बना लिया। इनके पुत्र, मतलब सरिता बोल रही है कि रजनीश के जो इकलौते पुत्र मैंने ये बना लिया, इकलौते पुत्र किए दादा, तो इसके दादा कौन होंगे? रजनीश के पापा ही होंगे, तो मैंने मान लीजिए यहाँ दादा लिख दिया, तो ये इसके दादा होंगे। रजनीश के लौते पुत्र के दादा मेरे ससुर हैं। अब ये इसके ससुर हैं, तो रजनीश और सरिता से क्या संबंध है? तो रजनीश के पिता और इसके ससुर, तो ये पूछ रहा है इसका संबंध क्या है। तो ये बताया कि रजनीश के इकलौते पुत्र हैं। अब इसमें ये नहीं बताया कि सरिता के भी ये पुत्र हैं या नहीं हैं। तो अगर ये बोल इस प्रश्न में पूछता कि सरिता का भी ये पुत्र है, तब तो ये पति होता। लेकिन इसमें बोला कि ये इकलौते पुत्र किसके हैं, केवल रजनीश के हैं, तो ये तो या पति हो सकता है या तो देवर हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो पति हो सकता है या तो देवर, क्योंकि रजनीश के पिता इसके ससुर हैं सरिता के, तो देवर या पति कोई भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तो प्रश्न क्या है, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी? तो ए की माँ, मान लीजिए ए की ये माँ है, और माँ की बहन, मान लीजिए बहन है इसकी माँ की, ए की माँ की ये बहन हो गई के पुत्र। अब बहन के भी पुत्र बता रहा है, जैसे जैसे बोलते जाए उसे उसे लिख दीजिए पुत्र, और पुत्र की भी बहन, ये हो गई बहन मान लीजिए। ए की कौन होगी? अब पूछा कि ए की जो ये बहन ये क्या होगी? तो ए की माँ की बहन है, तो माँ ये बहन है इसकी माँ की, तो बहन माँ की बहन मतलब ये मौसी लगेगी, तो मौसी की ये जो पुत्र लड़की है क्या लगेगी? तो मौसेरी बहन लगेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, डी के का भाई है, डी जो है ये किसका भाई है? के का भाई है, तो ये प्लस डाल दीजिए पहले। तो एम के की बहन है, एम जो है किसकी है? के की बहन है, तो ये लड़की है तो इसको माइनस कर दीजिए। आर जो है डी का पिता है, आर ये आर है मतलब इनके पिता हैं आर, तो इसको आप प्लस कर दीजिए, पिता है। और एस एम की माता है, एस एम की माता एस है, तो ये माइनस। अब के और आर से क्या संबंध है? के और आर से क्या संबंध है? इनका संबंध पूछा है कि के से आर का क्या संबंध है। अब देखिए ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है, क्योंकि इनके तीनों भाई बहन हैं ये, और ये
पिताजी हैं, इसकी माताजी हैं। तो के ये तो बोला लड़की है, ये लड़का है। अब ये लड़का है कि लड़की है नहीं कन्फर्म है, तो ये जो है या तो पुत्र हो सकता है या तो पुत्री हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं। तो मान लीजिए एम हो गया और ये एफ हो गया, ये दोनों शादीशुदा आदमी हैं, पति पत्नी हैं। ए और बी बहने हैं, ए है और ये बी है, ये दोनों बहने हैं। तो ये दोनों माइनस का सिंबल लगा लीजिए। ए एफ की बहन, ए जो है इसकी बहन है, किसकी, एम की पत्नी की, इसकी बहन है। तो ये भी लड़की ही हो गई क्योंकि इसकी दोनों बहन ही है। तो बी एम का क्या लगती है, तो बी जो है एम का क्या लगेगी। अब ये इसकी पत्नी हो गई और ये दोनों बहनें हो गई, तो इसकी बी क्या लगेगी, तो ये लगेगी साली, क्योंकि बहन की, पत्नी की बहन क्या लगती है, साली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।